हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, हमारी सीरीज में हम एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के पर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं पीएचपी के फ्रेमवर्क कोऑर्डिनेटर यूज करते हुए। तो आइए हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कोऑर्डिनेटर क्या होता है, देन कोऑर्डिनेटर के अंदर कंट्रोलर क्या होते हैं, देन उसकी मेथड्स क्या होती है। आज हम इसके आगे देखेंगे कि जो जो हमारा कंस्ट्रक्ट फंक्शन होता है, इसको हम किस तरह से यूज करते हैं और इसे का क्या इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसे समझने के पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने अभी तक क्या देखा है। तो जाते हैं XAMPP, HDoc, then tutorial, tutorial, then LMS। और यहाँ पर हमने देखा, तो हम अभी तक देख चुके हैं कॉन्फ़िग फोल्डर के बारे में। देन मैंने बोला कॉन्फ़िग में और भी फाइल्स है, तो हम उन्हें बाद में देखेंगे। हमने कंट्रोलर देखा, कंट्रोलर क्या होता है, हमने यहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट किया, देन उसे यूज किया। कंट्रोलर में हमने देखा कि हमारे पीएचपी के लॉजिक्स होते हैं, जहाँ हम पीएचपी के हमारे प्रोग्राम्स लिखते हैं। देन अब हम हमारा अगला फोल्डर देखेंगे, व्यू। के व्यू क्या होता है, तो व्यू बेसिकली एक ऐसा फोल्डर है जिसके अंदर हमारी एचटीएमएल फाइल स्टोर करके रखते हैं। तो हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, न्यू, देन सेव, और इसे हम करते हैं व्यू के अंदर सेव। इसे हम नाम दे देते हैं होम डॉट पीएचपी, एंटर। और यहाँ पर हम हमारा एचटीएमएल लेआउट बना देते हैं, एलएमएस होम। देन यहाँ पर हम लिख देते हैं एच1 टैग के अंदर हेलो, देन सेव। अभी अभी हमारा नॉर्मल इंडेक्स फंक्शन वर्क कर रहा है, तो इंडेक्स फंक्शन के अंदर हेलो लिखा हुआ है। तो ये हमारा एचटीएमएल लेआउट बन चुका है। अब हमें इसे जो हमारा व्यू बनाया हमने होम नाम का, इसे हमारे इस के अंदर हमें कॉल करना होगा। तो इसे हम कॉल कहीं भी कर सकते हैं, इसे या तो हम इंडेक्स फंक्शन के अंदर कर लें या किसी अदर फंक्शन के अंदर कर सकते हैं। तो अभी हम इसे केवल इंडेक्स फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा डॉलर दिस लोड, और वो व्यू है तो हम लिखेंगे व्यू, देन इसके बाद हम लिख देंगे होम, देन सेमीकोलन, और सेव करते हैं। तो देखिए एक एरर मिलेगी हमें, जिसे रिफ्रेश किया तो इसने बोल दिया अनडिफाइंड प्रॉपर्टी लोड। तो ये एरर बेसिकली क्यों आई है, क्योंकि हमने यहाँ पर सीआई कंट्रोलर जो लोड है, जो क्लास है, जो लोड ऑब्जेक्ट है, ये सीआई कंट्रोलर के अंदर की एक प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारी व्यू मेथड है। तो सबसे पहले हमें इस सीआई कंट्रोलर को अपने एक्सटेंड तो किया, लेकिन इसके उन सभी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने की परमिशन नहीं ली। तो उसके लिए हमें हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पर लिखना होगा पेरेंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। देन अगर हम अब सेव करके इसे यहाँ पर रिलोड करें, तो देखिए हमारा व्यू लोड हो चुका है। जो हमने व्यू में लिखा था वो हमारा यहाँ पर शो हो रहा है। अभी हम इंडेक्स फंक्शन के अंदर है, इसलिए हमें यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं दिए। अगर हम इस व्यू को कहीं और लोड कर देते, तो मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, और इसे हम अगर इस जगह पर लोड करें तो यहाँ पर व्यू करेगा, लेकिन वो पैरामीटर ले रिफ्रेश किया तो यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं H1 लिख देता हूँ तो हमारा व्यू यहाँ पर भी लोड हो गया है। तो ये देखिए ये हमारा व्यू लोड हो चुका है, तो ये H1 के अंदर आ गया। तो सबसे पहले हम इसे, जो भी कोई वेबसाइट होती है तो उसका जो सबसे पहला व्यू होता है होम पेज, वो इंडेक्स फंक्शन के अंदर ही लिखा जाता है, क्योंकि जैसे ही कंट्रोलर रन होगा सबसे पहले उसे ही रन होना है। तो इसलिए उसे इंडेक्स फंक्शन के अंदर ही लिखा जाता है। तो हम उसे इंडेक्स फंक्शन के अंदर दे देते हैं। तो ये हमारा हो चुका है कि हमें व्यू किस तरह से हम हमारी इसमें इनबिल्ड करते हैं। इसके बाद हम हमारी अगली चीज देखेंगे कि हम जैसे ही यहाँ पर देखिए, इस जगह पर हम जैसे ही एलएमएस का एंटर करते हैं, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेटर का एक होम पेज आता है। यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा पेज आए, डिफॉल्ट पेज जो हो वो हमारी वेबसाइट का पेज। जैसा कि आप देखते हैं कि कोई भी वेबसाइट होती है जैसे engineersworld.in, तो आप engineersworld.in के बाद ही डायरेक्ट आप वेबसाइट एक्सेस करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो हमारा ये हमारा पूरा डोमेन है, इसके बाद हमारी वेबसाइट एक्सेस होना चाहिए। तो इसके लिए हमें एक सेटिंग करना होगी। तो इसके लिए हमें जाना होगा, बैक जाएंगे यहाँ से हम, देन कॉन्फ़िग के अंदर। तो कॉन्फ़िग फाइल को हम ओपन करेंगे और उसमें नीचे जाएंगे, ये राउटर्स में मिलेगा हमें, राउट्स, ये रहा हमारा राउट्स। देन यहाँ पर हमें
पेज मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए वेलकम पेज है, तो अगर हम देखें तो वेलकम नाम का कंट्रोलर क्रिएटेड होगा ऑलरेडी। तो हम अगर हमारे कंट्रोलर में जाते हैं यहाँ पर, और ये देखिए वेलकम नाम का कंट्रोलर डिफॉल्ट है। अगर हम इसे डिलीट कर देते हैं और अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं, जा चुका है कंट्रोलर, हमने डिलीट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि इस जगह पर हमारा कंट्रोलर लोड हो, तो हम यहाँ पर जहाँ पर ये होम लिखा है यहाँ पर हम लिख देते हैं वेलकम की जगह होम, देते हो देन लोड। देखिए अब हमारा डायरेक्ट कंट्रोलर रन हो रहा है, हमें यहाँ पर इंडेक्स डॉट पीएचपी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये लिखेंगे तो भी रन होगा, अगर आप इतना लिखते हैं तो भी आपका रन होगा। तो ये इस तरह से वो करा, लेकिन आप यहाँ से डायरेक्ट मेथड्स कॉल नहीं कर पाएंगे। अगर आपने ऐसा लिखा तो आप मेथड नहीं कॉल कर सकते हैं, उसके लिए आपको पूरा प्रॉपर फॉर्मेट लिखना होगा। यहाँ पर इंडेक्स डॉट पी एच पी स्लैश होम स्लैश एच वन, तो आपका एच वन कॉल होगा। गलती कर दी है, एलएमएस नहीं लिखा है यहाँ पर, तो मैं एलएमएस लिखना होगा। एलएमएस फिर हम लिखेंगे इंडेक्स डॉट पी एच पी स्लैश होम स्लैश एच वन, तो हमारा एच वन कॉल होगा। तो ये हमारा एच वन कॉल हो चुका है। तो ये हमने सेट किया कि हम हमारा डिफॉल्ट कंट्रोलर किस तरह से सेट कर सकते हैं। देन इसके बाद हम हमारी अगली चीज देखते हैं। तो इसके बाद हमारा अगली जो चीज है वो होती है हेल्पर्स। हमने यहाँ पर देखा है कि अगला हमारा जो फोल्डर है वो होता है हेल्पर। मैंने कहा था हेल्पर हम दिखेंगे क्या आगे क्या होते हैं, तो अब हम हेल्पर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो हेल्पर बेसिकली प्री डिफाइंड फीचर है कोऑर्डिनेटर में, जो यूजर की हेल्प के लिए बनाए जाते हैं। तो हेल्पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूआरएल हेल्पर क्या होते हैं। यूआरएल हेल्पर हेल्पर बहुत टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल एचटीएमएल हेल्पर होते हैं, यूआरएल हेल्पर होते हैं, फॉर्म हेल्पर होते हैं। जो एचटीएमएल हेल्पर होते हैं उनमें कोऑर्डिनेटर में ही एचटीएमएल के टेक्स्ट को डिफाइन किया गया है। देन यूआरएल हेल्पर हमारे यूआरएल के लिए यूज किए जाते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं यूआरएल हेल्पर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लोड करूंगा डॉलर दिस लोड व्यू, नहीं लोड हमें हेल्पर करना है, तो एच टी एल हेल्पर हेल्पर, देन हमारे हेल्पर का नाम है यू आर एल हेल्पर। तो हमें लिखेंगे यू आर एल देन सेमी कॉलन देन सेव। अभी हमारे पास हमें कुछ जानता नहीं मिलेगा, अगर नॉर्मली से रिमूव करके देन लोड करते हैं तो हमारा हेलो ही आ रहा है। देन हम यू आर एल हेल्पर को अगर चेक करना चाहते हैं तो यू आर एल हेल्पर के लिए अंदर एक मेथड होती है बेस यू आर एल। तो हम यहाँ पे देखते हैं एको बेस यू आर एल, तो ये हमें बेस यू आर एल देगा जो हमारी साइट का बेस यू आर एल होता है। हमने जो बेस यू आर एल सेट कर रखा है हमें रिटर्न करके वही देगा। तो अगर मैं यहाँ पर एच वन को कॉल करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स डॉट पी एच पी स्लैश एच वन, तो होम नहीं लिखा है, होम स्लैश एच वन। तो ये देखिए हमारा बेस यू आर एल आ चुका है। ये वाला जो हमारा बेस यू आर एल है एल एम एस तक का, ये हमने कॉन्फ़िग फाइल के अंदर बेस यू आर एल में हमने ये फाइल सेट की है, तो ये हमें वही दे रहा है। ये देखिए हम जैसे कॉन्फ़िग फाइल में जाते हैं तो कॉन्फ़िग फाइल में हमारा ये बेस यू आर एल है, यही हमने हमें इसने रिटर्न किया है। तो बेस यू आर एल फंक्शन हमारा बेस यू आर एल रिटर्न करता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फीचर है कोऑर्डिनेटर में, जो हमें बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसे यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम जाते हैं बैक, देन यहाँ पर हमारा टूल्स नाम का फोल्डर है, देन इसके अंदर हमारी कुछ फाइल्स से फोल्डर बनाया हमने सी एस एस इमेज और जे एस। तो अगर हमें कोई सी एस एस फाइल यूज करना है तो हम यहाँ पर एक सी एस एस फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल देन सेव, इसे हम सेव करते हैं हमारे रूट पर टूल्स पर। देन यहाँ पर हम सी एस एस के अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस सी एस एस देन सेव, और यहाँ पर हम दे देते हैं कि एच वन जो है उसका जो कलर हो वो हो रेड। अब हमें इस फाइल को हमारे इस होम पेज पर इंक्लूड करना है, जो हमारे एच टी एम एल इस पर इंक्लूड करना है। तो इसके लिए हम इस तरह से लिखते थे डॉलर लिंक, और यहाँ पर उसका पाथ लिखते थे जैसा हमारे करंट फोल्डर में होता। अगर अगर हम जैसे हमारे जो फाइल है वो है हम व्यू फोल्डर के अंदर, तो हम जाते हैं एप्लीकेशन के अंदर और हम हैं व्यू में। तो ये व्यू है हमारा, तो व्यू में हमारी होम नाम की फाइल है। अगर ये एक ब्लॉक पीछे होती तो हम डबल डॉट
लिख के बेक चले जाते हैं। अगर उसी फोल्डर में होती है तो हम डायरेक्ट उसका नाम लिख के एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल यूज करना है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, या वेलकम मैसेज डॉट पी एच पी लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख सकते थे। लेकिन हमारी जो फाइल है वो यहाँ पर ना होते हुए हमारी बहुत रूट पर है, मतलब कोऑर्डिनेटर में स्टार्टिंग, जब कोऑर्डिनेटर का बेस फंक्शन है यूआरएल, वहाँ पर हमारी फाइल स्टोर है। तो हमें इसे यूज करने के लिए क्या करना होगा, तो हमें इसे यूज करने के लिए यहाँ पर लिखना होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे पी एच पी, इसके अंदर हम लिखेंगे पी एच पी का एको स्टेटमेंट लिखेंगे, दुनिया लिखेंगे बेस यू आर एल, देन बेस यू आर एल के अंदर हम लिखेंगे, बेस यू आर एल में हमें हमारा यहाँ तक का पाथ मिल चुका है इस टू एल एम एस तक का। अब हमें एल एम एस के बाद बताना होगा टूल, और टूल के अंदर सी एस एस, तो हमें लिखेंगे टूल, टूल के बाद हम लिखेंगे सी एस एस स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस, और इसे हम सेव करते हैं और रिलेट करेंगे। हमें रूट फंक्शन पे जाना होगा, तो हमारा जो सी एस एस है वो एच वन के ऊपर अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरह से हम बेस वेरियल को यूज करते हैं। बेस वेरियल के और भी यूज है हम देखते हैं, तो मैं एक इमेज ले लेता हूँ उसके लिए। तो हम जाते हैं बैक, देन प्रोजेक्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम टूल्स इमेज, तो हम ये वाली इमेज ले लेते हैं ट्यूटोरियल एल एम एस देन टूल्स, और यहाँ पर हम इमेज को पेस्ट कर देते हैं। इस इमेज का नाम कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पर इस इमेज को यूज करेंगे, तो हमें लिखेंगे आई एम जी, यहाँ पर वही बेस यू आर एल, यहाँ लिखेंगे बेस अंडरस्कोर यू आर एल, और यहाँ पर हम लिख देंगे टूल स्लैश आई एम जी स्लैश डॉट, हमारा फाइल का एक्सटेंशन क्या है डॉट पी एन जी, तो हम लिखेंगे डॉट पी एन जी देन सेमीकोलन, और इसे अगर हम यहाँ पर लोड करते हैं तो ये देखिए हमारी फाइल इंक्लूड हो चुकी है। अब ये जो हमारे बेस वाला फंक्शन है ये वर्क इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर हमारा हेल्पर यू आर एल लोड किया। अगर मैं इस यू आर एल को कमेंट कर देता हूँ तो देखते हैं हमारा फंक्शन वर्क करता है नहीं, तो इसे रिफ्रेश करते हैं तो इसने बोल दिया कॉल अनडिफाइंड फंक्शन बेस यू आर एल। तो बेस यू आर एल फंक्शन जो है वो यू आर एल हेल्पर के अंदर आता है, तो सबसे पहले हमें उसे लोड कराना होता है। तो यहाँ पर हमने लोड किया तो ये हमारा फंक्शन वर्क करने लग गया, तो ये हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमने इसे यहाँ पर लोड तो करा लिया है, लेकिन इस जो हमारा लोड किया है ये केवल तब तक ही होगा जब तक कि कंट्रोलर की लाइफ है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर है वो इस कंट्रोलर की लाइफ रहेगी तब तक ही वर्क करेगा, हमारे पूरे प्रोजेक्ट में वर्क नहीं करेगा। अगर हमारे पास एक से ज्यादा कंट्रोलर, अगर हम यूजर के लिए कंट्रोलर अलग बनाते हैं, एडमिन के लिए कंट्रोलर अलग बनाते हैं, देन अदर वर्क के लिए कंट्रोलर हम अलग बनाते हैं, तो ये हमारा जो हेल्पर है ये केवल इसी फाइल में वर्क करेगा। तो हम इसे चाहें तो हम एक और हमारी फाइल होती है जो होती है ऑटो लोड करके, तो हम उसे ऑटो ओपन करते हैं ऑटो लोड नाम की फाइल, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लोड कराने के लिए बहुत सारे फीचर, ऑटो लोड पैकेज लाइब्रेरी, जैसे हमने यहाँ पे डेटाबेस को लोड करा रखा है उसी तरह से हम यहाँ पर ड्राइवर्स लोड कराते हैं। यहाँ पर हम हेल्पर में लिख सकते हैं यू आर एल, तो हमारा यू आर एल हेल्पर यहाँ पर लोड हो जाएगा, देन इसे हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो अब हमें इसे पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होगी, अब ये हमारे पूरे प्रोजेक्ट में वर्क करेगा। रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर ये वर्क कर रहा है, और अगर हम देखें यहाँ पर जो हमने ये फाइल्स में लोड किए हैं तो इमेज, और इसके लिए तो हम इसका अगर यू आर एल देखना चाहते हैं तो हम इसे जब इंस्पेक्ट करेंगे, मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए एच टी टी पी लोकल होस्ट ट्यूटोरियल एल एम एस, हमने यहाँ से पाथ लिखा था टूल्स के अंदर इमेज के अंदर स्टेप पी एन जी, बाकी का ये वाला जो पाथ था ये हमारा बेस यू आर एल ने दिया। उससे अगर हम यहाँ टॉप पर अगर देखें इंस्पेक्ट करेंगे अगर, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हेड सेक्शन के अंदर ये देखिए इस फाइल में भी इसी तरह से पाथ बना है, तो ये इस तरह से हमारी फाइल वर्क कर रही है। तो बेस वेरियल फंक्शन इस तरह से वर्क करता है। इसके आगे हम एक और हमारा हेल्पर देख लेते हैं, देन उसके बाद आपको हेल्पर क्लियर हो जाएंगे क्या होता है। तो मैंने अभी आपको कहा था कि एक हेल्पर होता है फॉर्म हेल्पर, जो एच टी एम एल के फॉर्म बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो इसे मैं यहाँ से देन कॉन्फिग और नहीं ऑटो लोड के अंदर हमें लोड कराना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा फॉर्म, देन अब अगर हमारे यहाँ पर आते हैं
में, और यहाँ पर अगर मैं कोई टेक्स्ट फील्ड बनाना चाहता हूँ तो मैं नॉर्मली पीएचपी लिख सकता हूँ यहाँ पर, और यहाँ लिख सकता हूँ मैं फॉर्म अंडरस्कोर इनपुट फॉर्म अंडरस्कोर इनपुट, देन यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ नेम, जो भी उसका नेम देना चाहते हैं तो यहाँ नेम लिख देते हैं, तो हम दे देते हैं यूएन सेमी कोलन। देन अगर मैं रिलोड करता हूँ तो देखिए हमें यहाँ पर एक टेक्स्ट मिल चुकी है, नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड जो हम इनपुट टाइप टेक्स्ट बनाते हैं। और अगर हम इसका इंस्पेक्ट करके इसका सोर्स कोड देखना चाहें तो देखिए इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम यूएन वही बनी है जो हमारे इनपुट टाइप टेक्स्ट क्रिएट हुई है। तो इस तरह से ये हेल्पर यूज किए जाते हैं। अगर मैं इसका प्लेस होल्डर देना चाहता हूँ कॉमा, तो यहाँ लिख सकते हैं प्लेस होल्डर प्लेस होल्डर, देन यहाँ पर लिख सकते हैं प्लेस होल्डर में हम देते हैं एंटर नेम, देन सेव रिलोड, तो ये प्लेस होल्डर आ चुका है और यहाँ पर प्लेस होल्डर टैग बन चुका है। तो इस तरह से ये हेल्पर वर्क करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे हेल्पर होते हैं। अगर आप फॉर्म टैग ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिंपली ले सकते हैं, अगर आप बार बार पीएचपी टैग ओपन क्लोज नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपल लिख दिए हैं जी यहाँ पर पीएचपी, और से यहाँ पर क्लोज, देन यहाँ पर एको करा सकते हैं हम एको, देन अगर हम फॉर्म टैग फॉर्म ओपन करना चाहते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे एको, और यहाँ लिखेंगे हम फॉर्म अंडरस्कोर ओपन, ऐसा हमारा फॉर्म टैग ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर हम जो है नाम दे देते हैं हमारे इसका एक्शन, तो हम दे देते हैं ए डॉट पी एच पी, अगर हम इसका एक्शन दे देते हैं, देन यहाँ पर हम इसे एक फिर से एक करते हैं, लिखते हैं फॉर्म अंडरस्कोर क्लोज, तो हमारा फॉर्म जो होगा वो क्लोज हो जाएगा, हमारा फॉर्म क्लोज हो चुका है। देन सेव देन रिलोड। अगर हम अब हमारे सोर्स कोड इस पेज का सोर्स कोड देखें तो मैं आपको सोर्स कोड दिखाता हूँ पूरा। तो देखिए हमारा फॉर्म ओपन हुआ है जिसका यूआरएल हमने लिखा था केवल ए डॉट पी एच पी, लेकिन इसने पूरा ले लिया है, देखिए यहाँ तक इंडेक्स डॉट पी एच पी देन ए डॉट पी एच पी इसने ले लिया है। तो ये इस तरह से वर्क कर रहा है। देन ये हमारी मेथड ऑटोमेटिक पोस्ट बन चुकी है, देन ये यूटीएफ 8 सेट हो चुका है, देन हमारी टेक्स्ट फील्ड है, और ये हमारा फॉर्म टैग क्लोज हो गया। तो हमने ये एचटीएमएल तो हमारा ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है, हमने तो केवल और केवल इसकी मेथड्स को कॉल किया है। तो हमारा कोड कितना कम हो चुका है। अगर आप इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखते तो आपको बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिखना होता तब जाके आपका इतना फॉर्म बनता है, लेकिन आपने कोऑर्डिनेटर का हेल्पर यूज किए हैं तो आपके कम से कम लाइनों में ये काम हो चुका है। तो इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार के हेल्पर होते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।